अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं रमज़ान की आमद आमद है जैसे कि आपको पता है, और उसके लिए मैं एक आपके साथ पहली रेसिपी अपनी शेयर कर रही हूँ। बाकी रेसिपी साथ साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह तआला, जैसे जो बनाती रहूँगी। तो सबसे पहले जी, मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्पेगेटी स्प्रिंग रोल्स। तो उसके लिए क्या सामान चाहिए, मैं बहुत झटपट कोशिश करूंगी आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं, ताकि रमज़ान में आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं तो ये बना के वैसे फ्रीज़ कर लूंगी, क्योंकि रमज़ान में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लालच ये होती है कि आपको कुरान पाक पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाए, कोई इबादत कर सकें, कोई जिक्र कर सकें। तो लिहाजा पे मैं बहुत सी चीज़ें फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरा टाइम बच जाता है, अपने घर की रूटीन भी होती है, अपने घर की रूटीन के हिसाब से हर कोई अपना टाइम सेट कर लेता है। तो जी, सबसे पहले मैं आपको वेजिटेबल्स बताऊंगी, इसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स आएंगी वो अपने मर्ज़ी से आप ले सकती हैं, मैंने आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ। तो जी, पहले होगा ये, मैंने बंद गोभी बारीक बारीक काट ली है। इसके अलावा मुझे चाहिए गाजर, और ये भी मैंने बारीक जैसे सूप के लिए नहीं काटते वैसे काट ली है। और इसके अलावा जी चाहिए मुझे शिमला मिर्च, वो भी मैंने देखे बारीक बारीक काट ली है, क्योंकि रोल्स में बहुत बड़ी बड़ी डालेंगे। शायद कैमरे में आपको बड़ी ना लग रही हूँ, लेकिन बड़ी 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 नहीं है, ये छोटी ही साइज़ है, क्योंकि रोल्स में जो होती हैं वो अगर आप बहुत बड़ा मुंह में मतलब वो रोल ज़रा डिस्टर्ब होगा बनाने में, तो लिहाजा कोशिश करें रोल्स में ज़रा वेजिटेबल ज़रा छोटी ही हों। इसके लिए चाहिए जी मुझे स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज आजकल बड़ा आया हुआ है, तो मुझे इसका जायका बहुत पसंद है। इवन इसके ऑमलेट भी बहुत अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह तआला रमज़ान में अगर बनाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चाहिए मुझे स्पैगेटी, स्पैगेटी की ये देखें मैंने इसके अभी तो ये जैसे ये देखिए इतना साइज़ है इसका, इसका आप छोटा भी कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, और लेकिन ये मैक्सिमम छोटा साइज़ ही है। जैसे इसकी मिक्स हो गई और टूट जाएगी उसमें। अगर आपके पास स्पेगेटी नहीं है इस तरह की, तो आप जो आम होते हैं बच्चों के खाने वाले नूडल्स, वो एक पैकेट उबाल के इसमें डाल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जी मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये आप ये सारा सामान डाल के स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगी इसमें चिकन भी, और चिकन भी मैंने बॉईल करके रख लिया है। और ये देखें इसको आप थोड़ा सा श्रेड कर लें रोल्स के हिसाब से, क्योंकि मैं हो सकता है इसमें से कुछ और चीज़ भी बना लूँ, तो इसलिए चिकन थोड़ा साइज़ का बड़ा ही है। तो आपने जी चिकन में क्या डालना है, चिकन भी मैंने समय ले बना के रख लिया था रात को, ताकि मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाए काम के लिए। चिकन में मैंने क्या डाला, चिकन में मैंने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, और डाला है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और सॉल्ट और सोया सॉस और सिरका। इसको डाल के जी मैंने अच्छे थोड़ा सा स्पाइसेस इसके ठीक ही हों, मतलब फीके से ना हों, ये डाल के मैंने उबाल के इसको रख लिया। और ड्राई मसाला जो उसमें जाएंगे तो वो उसकी मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या क्या इसमें जाएंगे। उसके लिए जाएगी इसमें काली मिर्ची पिसी हुई, चिकन पाउडर ये भी ऑप्शनल है, और ये मैंने डाला है इसमें डालूंगी पिज़्ज़ा सॉस, तो अगर आपके पास है तो डाल दे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है मैं इसलिए डाल रही हूँ। इसके अलावा जी डल जाएगा सराशा सॉस, तो मेरे पास इस ब्रांड की है, आप कोई भी ले सकते हैं। नहीं भी होगा तो कुटी हुई लाल मिर्ची और सिरके का सेम ही टेस्ट होता है, मेरे पास थी तो मैं डाल राशिद ले आए थे इस्लामाबाद से, तो मैंने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ, चीज़ें पड़ी भी तो हैं ऐसी बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो इसकी जगह मुतबादल है जी कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी मैंने रखी हुई है, ये देखें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल जाएगा थोड़ा सा, चिकन पाउडर ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, अदरवाइज आप नहीं भी डाल सकते हैं, आप चिकन क्यूब डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। ये सारा चीज़ें इसमें, जो चीज़ आपको नहीं पसंद अवेलेबल नहीं है तो आप प्लीज़ उसके लिए परेशान मत हो, वो आप ना भी डालें तो खैर है। तो जी सिरका चाहिए, सोया सॉस चाहिए मुझे, और चिली सॉस चाहिए, और इसके अलावा जी चाहिए सॉल्ट, ये सॉल्ट चाहिए मुझे। टोटल ये सामान है मेरे पास, और जिसे मैं इंशाल्लाह ताला आपको बना के दिखाती हूँ, और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं बहुत आसान वाले तरीके से आपको बनाना सिखा दूँ। हाँ जी, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि वेजिटेबल्स इसमें अच्छी तरह सौते हो जाएँ। तो अब जी इसमें मैं सारी सारी बारी बारी जो है सारी वेजिटेबल्स बारी बारी इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, कुछ भी डालूँ, ये जी शिमला मिर्च पड़ी हुई है ये डाल दूंगी मैं, और चीज़ें बस कोशिश किया करें कि अपने लिए ज़िंदगी आसान करें ना कि मुश्किल करें। अब इसमें मैं गाजर डाल दूंगी, गाजर भी चली गई, और इसके अलावा क्योंकि स्प्रिंग जो रोल्स होते हैं ना, इसमें सब चीज़ें जो होता है वो ज़रा तो खड़ी खड़ी होती हैं, बिल्कुल वो पकी हुई नहीं फूल होती,
इसके अलावा मैं इसमें बंद गोभी डाल दूंगी और थोड़ी सी बचा रही हूँ, अगर मुझे लगे कम है तो मैं और डाल दूंगी। आँच आप इसकी बहुत तेज़ भी मत रखिएगा, बस मीडियम इसकी आँच रखें। इसके अलावा जी इसमें चले जाएंगे ये स्प्रिंग अनियन, बाकी सामान मैं अब आहिस्ता आहिस्ता डालती हूँ। और साथ ही जी इसमें चली जाएंगी सॉसेज और मसाले जितने भी हैं। ये देखिए मैंने 1/4 कप प्याली में डाल दिए सोया सॉस। अब इसमें तकरीबन 1/4 कप ही, थोड़ा सा कम है, 1 कप का आठवां हिस्सा मैं इसमें डालूंगी सिरका, और ऐसे ही मैं इसमें चिली सॉस डाल दूंगी और इसको मिक्स करके मैं डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ वेजिटेबल्स में। ये देखिए मिक्स क्या था, ये लिक्विड, ये सारा वेजिटेबल्स में चला जाएगा। अब इसमें जितने भी ड्राई मसाला जाता है मैं वो डालती हूँ। पहले मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ हल्के से हाथों से, ताकि नीचे लगे ना, लेकिन लगे नंगा नहीं, क्योंकि सब्जियां हैं, सब्जियां फ़ौरन नीचे नहीं लगती, पानी अपना रिलीज़ करती हैं। तो अब बाकी मैं इसमें चीज़ें भी डालती हूँ साथ साथ। बहुत आसान झटपट तरीका है, बजाय कि लंबे लंबे तरीकों में आप पड़ जाएं, बस हर चीज़ शॉर्ट तरीके से। रमज़ान में तो टाइम वैसे बहुत कम होता है, लिहाजा आप फिर इसको बस शॉर्ट वाले तरीके से ही करें। हाँ जी, ऐसे मैंने जो है काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून भर के, और लाल मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगी कुटी हुई, और साथ में मैंने चिकन का पाउडर ये भी इकट्ठा मिक्स कर लिया। जब आप कुकिंग करिए तो आपको, मैं दिखा रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कुकिंग स्टार्ट करें हर चीज़ मिक्स करके रख लें, वजह से कि चीज़ें ढूंढने शुरू हो जाए। हमेशा कुकिंग का ये होता है, जो चीज़ आपको चाहिए हो कुकिंग दरमियान में, कोशिश करें कि आप अपने पास रखें, अदरवाइज आपका टाइम इस तरह बच जाएगा। अदरवाइज़ आप एक चीज़ बनाने शुरू हो जाए, दूसरी चीज़ कैबिनेट से निकाल दें, फिर और चीज़ निकाल रहे हैं, तो इस तरह आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो टाइम की बचत करना सीखें, टाइम बहुत कीमती चीज़ है। मेरे पास जितनी शिमला वो पड़ी हुई थी बंद गोभी, वो भी मैंने इसमें अब डाल दी है, ठीक है। और अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखें, ऑप्शनल आप डालना चाहे डाल लें, अदरवाइज़ नहीं है तो ना डालें। मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है इसमें, और अब इसमें सराशा सॉस डालूँगी। हाँ जी, मैंने पिज़्ज़ा सॉस से मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें सराशा सॉस डालूंगी। ये भी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के डालूंगी, लेकिन ये है कि मेरी चूँकि ये ज़रा ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अदरवाइज़ आप सिरका और जो है कुटी हुई लाल मिर्चें उसके ज़रा मकदार बढ़ा दें। ये सिरका और आप कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सॉल्ट लेके उसको ब्लेंड कर लें, तो ये सराशा सॉस बन जाएगी आपकी। बस इसको मिक्स कर लें, और मैं सॉल्ट एंड पे डालूंगी। उसकी रीज़न ये है कि सोया सॉस भी डाला मैंने, चिकन पाउडर भी डाल दिया है, तो जो है सॉल्ट वो अपने बिल्कुल एंड पे डालना टेस्ट करके। और स्पेशली जो न्यू पकाने वाले हैं वो तो बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि थोड़े से मतलब कह लेना ज़रा सा अंदाजे से गलती से काम ख़राब हो जाता है। तो बस इसको मिक्स करूँगी मैं, थोड़ा सा इसका जो है अभी थोड़ी सी क्रंची ज़्यादा है, तो मैं बस इसको 2-4 बार मिक्स करूँगी तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाएंगे। तो अब इसमें मैं डालूँगी स्पैगेटी। ये देखें स्पैगेटी भी आपने, स्पैगेटी उबालने का तरीका भी अब तक सबको आइडिया हो ही गया होगा कि पानी में आप थोड़ा सा डालें वो सॉल्ट डालें, और डालें आप क्या डालेंगे इसमें, ऑयल डालेंगी, और डाल के इस पर उबलते पानी में स्पैगेटी डाल दें, 8-10 मिनट उबालें, पक जाए तो फिर आप इसको निकाल लें। तो मैंने भी आज ऐसे ही किया, बस अब मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट डन है, यहाँ पे कंप्लीट हर रेसिपी कंप्लीट हो गई है। चिकन ऑप्शनल है, वो आप डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं डालना चाह रहे, वेजिटेरियन है, ये वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा पसंद है, या कुछ लोग चिकन नहीं भी खाते शौक से, तो यहाँ आपकी रेसिपी डन हो गई है। बस आपने स्पाइसेस इसके चेक करने हैं, अगर जो चीज़ कम है वो ऐड करके, थोड़े से स्पाइसेस ज़रा इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रोज़ में जब चीज़ फीकी अच्छे नहीं लगते। तो हाँ जी, बस मैंने जैसे आपको कहा है कि इसका यहाँ स्पैगेटी एंड हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है, बन गया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और हर चीज़ इसको आप ऑप्शनल लें कि अगर आपके पास जो चीज़ है वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप बेशक ना डालें। तो मैं अब इसमें चिकन डालूंगी, क्योंकि बच्चे मेरे चिकन, स्पेशली जो मेरा बेटा है वो शौक से खाता है चिकन, तो असमिना इसमें, लेकिन आप ध्यान से डालिएगा, सारा मत डालिएगा, बस इसको ठंडा होने दें, और उसके बाद आप फिर इसको फिल कर दें रोज़ में, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ वाली भी जो रैप करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। चिकन मैंने डाल के मिक्स कर लिया है, तो आप क्योंकि ये पका हुआ है ऑलरेडी, इसको एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें ताकि वेजिटेबल्स सब मिक्स हो जाए। तो अब इसको मैं ठंडा करने रखने लगी हूँ, जैसे ठंडा होगा तो मैं फिर आपको रैप करके दिखाऊँगी।
मैं जी अब बनाने लगी हूँ रोल्स, और मसाला उसका मिज़ा बन चुका है। अब मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और मैं अब इसकी ना थोड़ी सी गाढ़ी सी लई बना लूँगी। पतली नहीं मैंने लई बनानी, मैं ज़रा गाढ़ी बनाऊँगी। उससे ये होता है कि रोल्स ज़रा खुलते नहीं, पतली सी होती है। पट्टियाँ जो बाज़ार की हैं वो मैं बाज़ार की पट्टियाँ रोल्स के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके लिए यह है कि फिर ये जो रोल्स हैं वो खुलेंगे नहीं, ना ही फटेंगे। तो जी मैं आपको एक मई ये मैंने मैदे की इतनी गाढ़ी बनाई है, पेस्ट कह दें, लई कह दें, या कोई भी बैटर कह लें, इतना गाढ़ा मैंने गूंदा है। इससे ये होता है कि ना ज़रा रोल अगर कहीं से आपकी पट्टी में क्रैक कोई फटा हुआ हो ना, तो ये फिर उसको कवर भी कर लेता है। पतला हो तो मज़ीद वो फटने का अंदेशा होता है। तो बस जी अब मैं इंशाल्लाह रोल बनाने शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे रोल बना रही हूँ। हाँ जी मैं बनाने जा रही हूँ रोल, और जो रोल्स है ना मेरे साथ आज बड़ी बैड लक हुई है कि मेरी ना पट्टी सही नहीं आई। 4 पैकेट मैं इसके लाई थी, 4 ही मैं लाई थी उसके समोसियों के तो मैंने बॉक्स पैटिस बनाने थे इसलिए ले लिए। हाँ मैं ग्रॉसरी वाले से कहती रही कि भाई मुझे फ़्रेश देना। जी बाजी फ्रेश है फ्रेश है। मेरे लिए ना बार बार बाज़ारों में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी अभी मैंने आपको नज़र तो आ ही रहा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको और करीब से ज़रा दिखा दूँ, लेकिन इतना ही मेरे ख्याल में करीब से देखा जाएगा। तो खैर जी आपने इस तरह रख लेना एक कॉर्नर पे बैटर मसाला जो मैंने ये इसका बनाया है स्पेगेटी और चिकन और वेजिटेबल्स का। तो रमज़ान की जी पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि ये देखा गंदी पट्टियाँ निकली हैं ना, अब आप जहनी मुझे कोफ्त होगी बहुत ज़्यादा समझे। मैं जिस शौक से बना रही थी मेरा मूड ही ख़राब हो गया ये देख के कि इतना गंदे तरीके से ये पट्टियाँ निकली हैं। तो जी खैर इस तरह ये देखें, इसको इस पर लपेटा और एक दफ़ा दोबारा इसको यूँ गोल किया, और गोल करने के बाद ये जो ये वाला हिस्सा था ये इधर से ये बांधा, इधर से ये उसको ये देखें ठीक हो गया, और इसको मैंने यूँ लपेट दिया। तो मैं इतनी एहतियात से कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अच्छी नहीं आई ये पट्टियाँ, बहुत नाजुक सी पट्टियाँ हैं। और चलिए पर आपको एक आइडिया हो गया शेप का, एक आधा मैं आपके साथ और बना लेती हूँ और जाके मैं उसको वापस करूँगी। पट्टियाँ सारी 8 डब्बे में लाई थी और 8 के 8 ही ख़राब निकले, तो बहुत अच्छी मज़ेदार ये बनी है। हाँ जी मैं और एक ट्राई कर रही हूँ, अगर ये अच्छी बन जाए तो। बड़ी मुश्किल से ये वाली पट्टियाँ ना, अच्छी पट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने करीबी मार्ट से कहा है, उनको कॉल करके कहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉन की आनी है, तो अब मैं वो ट्राई करती हूँ। अगर वो अच्छी निकलती है फिर तो बड़ी वो कर लें कि अच्छी बात है, फिर मैं मज़ीद उसकी मंगवा लूँगी। लेकिन ये वाली तो मैं वापस करके आऊँगी, उनको कह के भी आऊँगी। भाई बाज़ार आना जाना कोई आसान काम है, ये तो हमारा घर वैसे ही ये ज़रा दूर है शहर से, वैसे भी मुनासिब नहीं लगता रोज़ या बाज़ार मुँह उठा के चले जाएँ। तो ये ऐसे लपेटा और इधर इधर से एक दफ़ा यहाँ से फोल्ड किया, एक दफ़ा यहाँ से फोल्ड किया। अच्छी पट्टी हो ना तो आप दिल खुश हो जाता, और सेकंड में चीज़ें बनती हैं। तो ये जी ये लपेट दिया, तो ये देखेंगे। और ये देख अच्छा बन गया ना, बस ये देखें ये रोल बन गया। और अब मैं मज़ीद रोल बनाती, 2-4 बस पट्टियाँ ठीक निकली हैं, बाकी जहाँ से भी आती है तो बनाती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट रेसिपी। तो जी पहली रेसिपी मुझे रमज़ान की आपके लिए खिदमत में हाजिर है, और आप बताइएगा बनाइएगा। ये मैंने देखा बहुत झटपट ये बनती है और ज़िंदगी आसान करें, और घर में अगर चीज़ें बनी भी हो ना तो मुझे तो फ़ायदेमंद लगती हैं, क्योंकि मेरे घर की रूटीन ऐसी है। और कुछ मुझे भी ये होता है कि घर में चीज़ बनी हुई हो तो फ़ायदा मेहमान आ जाए, या वैसे भी, और मेहमानों के अलावा भी ये होता है कि आपके घर बनी हो चीज़। मुझे ये जाती तो पर मेरा ख्याल है, चल मैं हाथ से लगाती हूँ, कि अगर तो आपके पास घर में चीज़ें बनी हो, एटलीस्ट आपको इबादत कुरान का टाइम बच जाता है। तो अल्लाह ताला हमें जी रमज़ान में रोज़े रखने, सही से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, उसके अलावा हमारे रोज़े कबूल करे, इबादत कबूल करे, और हमें तहज्जुद तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंसान नमाज़ तो पढ़ता है साथ तहज्जुद भी पढ़े। तो तहज्जुद का आपको पता जो अजर है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो बार आप मुझे मुझसे ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उसकी रीज़न ये है कि पट्टियाँ नहीं अच्छी। तो चलो जी जो व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए और इसको इंजॉय करें, बड़ा मज़ेदार पार्ट है व्लॉग का, और आप देखिएगा और आप इंजॉय कीजिएगा। हेलो सना।
क्या लेना है? सामान कुछ लिखा हुआ जो नहीं लिखा नजर आ रहा, तो वो मैं देख रही हूँ। अच्छा ये ले लो, फ्रूट चाट में है ना। खजूर है घर में? नहीं है, खजूर है मेरे पास। अच्छा और यहाँ से लेनी थी मैंने, मुझे सना के साथ में ग्रोसरी के लिए आई हूँ। सना वैसे मुझे एक दफा लिस्ट दिखा देना तो मैं आपको बता दूँ हमने क्या क्या चीजें लेनी है। क्रीम के और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ? वाह, दूध वगैरह तो चाहिए। अच्छा टैंक तो नहीं चाहिए? अच्छा और सर उठा के चीनी रही नहीं, छोटे का दोनों को सर उठाना पड़ता है। यस तो सर उठा के जीते हैं। सर चुक के देख रहे हैं आपको, सर नीचे करके देखना पड़ता है, लॉजिकल बात है। आप कम सा चीनी है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब थोड़ी वाली चाहिए मुझे, थोड़े वाली चीनी, थोड़े वाली चीनी। यस ये पड़ी हुई, कितनी चाहिए? बस एक दो पैकेट कर लो, ये ना ले लूँ, ये जो मुइज शुगर है। मुइज शुगर है? ये मुइज के उसमें अरे एक पैकेट और डाल दो। और यहाँ से भी ले लो ऑयल। लो जी आपकी शुगर हो गई। ऑयल हम ले लें, ये भी डाल। मैं जी सना ले रही हैं अभी जो रोज़ों की ग्रोसरी है वो करनी है। हाँ मैंने भी दो साइमा जी साथ हैं। सर हम ग्रोसरी में फैसलाबाद से करेंगे, ठीक है? ठीक है शेरा। जितनी हमने बचत करनी है वहाँ से। अच्छा पिज्जा बनाना है? वाइट वाली, मतलब हाँ ये ठीक है। और आपको क्या चाहिए? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मशरूम्स वगैरह है वो लेने हैं ना, ऑलिव्स सारा कुछ है ना, एलिपिनो जेलिपिनो मशरूम। ये देखो कौन से ब्लैक चाहिए, ये ग्रीन चाहिए। मैं ये मशरूम है, ऑलिव्स ले लो ना पहले, वो भी तो लेने ही है। मशरूम्स इधर नहीं है, मशरूम इधर होंगे। ये लगे बड़े मशरूम्स है ना, ये मशरूम गार्लिक सैलड है, ये मशरूम नहीं है, ये मशरूम इधर लगे हैं पीछे। अच्छा, देखो इधर लगे हैं। ये टिन वाले हैं, पिछले टिन तो खुल गया, तो खुल गया तो वो भी तो ऐसे ही होते हैं, मशरूम तो खराब हो जाते हैं। हाँ ना, हाँ जी तो शीशे में इनके आते हैं। एलिपिनोज ये है ना, ये देखो सब मशरूम शीशे में बंद कर भी डाल सकते हैं। डाल लेना आप, मतलब पूरा मिर्ची है वो कटी हुई है। ये कटिंग में देखो नहीं है, समय तो सबूते सबूते हैं। ये कटिंग में है तो सही, समप ब्लैक में तो ग्रीन में देख लो, नहीं होंगे अक्सर, नहीं भी होते इनके पास। ये कटिंग वाली है, नहीं ग्रीन ले लो फिर सना। पिज़्ज़े पे समा काले अच्छे लगते हैं, वो ग्रीन भी अच्छे लगते हैं। ना भी ले लो, ये मशरूम लेने, आई लव मशरूम्स। यू लव मशरूम्स? मुझे बहुत पसंद है। इतने सना को मशरूम पसंद है, ये देखे हमने ढूंढ ढांड के निकाल ही लिए। ब्रेड क्रम्स बड़े वाले, ये देखो इट्स माय डेविड मैं की करने में तो तुमने रमजान में नहीं यूज करना है, बरात ही होगी। नहीं उन्होंने जब ली है किन्नौर की चिली, चिली गार्लिक मेयोनीज ले ली। सुना ये छोटी नहीं है, बड़ी ले लो ना। केजी में तो एक ही बात है, पैसे कड़े लाने में खाने भी तो लेके मैंने कौन से पैसे डलवाए, आधा किलो एक्स्ट्रा डलवा रही है। हाँ चले कभी कभी आप सालों में किसी को खिला दे तो क्या जाता है। मेरी बात ले लो ये वाला, यस इसका साथ ऊपर देखो ना ढक्कन है, उससे ही होगा कि तुम्हारा जब तुम ज्यादा महंगा तो नहीं है। नहीं ज्यादा महंगा नहीं है, दोस्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ तो सस्ती चीज दोस्तों को खिलाएंगे आप। नहीं शर्म, हमारी स्वीट डिश ऑलरेडी महंगी बन जानी है। नहीं नहीं ये अच्छी है, ये अच्छा है तो, और इसका सबसे तो इसका ढक्कन है ना ऊपर, तो ये आप इसको कवर करके रख सकती हो। ठीक है तो शेरा हम ये ले लें, ले लें।
बिना सोचे समझे ले लो, खानी तो ले लो नीम को। तुम क्यों नहीं पसंद, खाती तो हो नीम को। हाँ खजूरों का, उसमें नहीं डालनी चाट में। ओके शेरा ले लेते हैं। लो करे ला जूती ला। दो ये दो फ्रूट केक दे दें, सिंपल वाले जो हैं, प्लेन जो हैं वो दे दें। अंजीर का हलवा नहीं डालेंगे हम स्वीट डिश? दोस्तों को नहीं खिलाते महंगी चीजें, प्लेन दीजिएगा। दूसरे वाला भी, दूसरा भी प्लेन दे। है ये पड़ा हुआ इधर, इधर ही तो पड़ा हुआ था ये रहा, ये देखें ये पड़ा हुआ है। हाँ जी जी, सना ने दो बनानी है, दो स्वीट डिश बनानी है, उसके लिए केक ले लिए। लिस्ट हो गई पूरी। वो तुम्हारे पेपर कहाँ गया? मेरे पास है मेरा पेपर। तो ये हम बाकी नीचे से क्रॉसिंग करेंगे, ठीक हो गया? इनका बिल कर दें। जा रहे हैं नीचे मीट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए। क्या लेना है कीमा? वीडियो तो बना ओहो वीडियो बनी जाएगी नाल, बता तो दो क्या लेना है। वैसे मुफ्त होते हैं? हाँ अच्छा बोलो क्या है कि मर्चे और ना धनिया धनिया के लगाएं कि मुफ्त मिलती है साथ। हाँ ये जिस तरह ग्रोसरी वेजिटेबल्स लेते हुए ले लो। उसको तो मैंने कहा था मैं ये तनु की पता है शिमला मिर्च टमाटर ये कितनी अच्छी प्यारी सी है ये ले भाई। और मिर्ची मुझे चाहिए और शिमला मिर्च भी चाहिए। सना खपते हुए फिर ये सब्जियां लेते हुए खप रही है, सब्जियां लेते हुए खप रही है फुल। ये ले भाई भी शिमला मिर्च भी ले। रमजान में क्या होगा, हम क्या खाएंगे? टमाटर चाहिए। ओ कितना फ्रूट मजेदार, ये देखो कीवी होगी 600 रुपए किलो। यार फ्रूट तो इतना है ही नहीं कि हम रमजान में क्या खाएंगे। मुक क्यों गया? मुक क्यों गया? परेशान करते हुए सब्जियां लेके सनिया इतने थरथली मचाई हुई है। बाहर से ले लेना ये वो नहीं है। हाँ ये फ्रेश है, कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं तुम्हें बता दूँ पूरे ब्राइडे वालों को परेशान किया हुआ है ना। ये देखो जो सामान ले रही है परेशान कर दिया इन्होंने सबको। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मैं तो साथ आई हूँ, ये पता लग रहा है क्या क्या चीज़ कितने की ले रही है। मैं क्या बताऊँ अपनी फ्रेंड्स को, मैं तो वैसे खुशकिस्मत हूँ, आती खाती रहती हूँ। आलू गाजर ना क्या ले रही हैं आप? मैं ये जो दो चिकन ब्रेस्ट ले रही हूँ बटरफ्लाई शेप में जो होते हैं, और आप ये मेरे पास जर्दे भी पड़ा हुआ है पूरा पैक मैंने लिया हुआ था, हाफ के जी और मैं ले रही हूँ। अच्छा मेरी यहाँ से लिया ने खाना ना है ना शेर। हाँ अल्लाह जी सेलों के पेट ना खराब हो जाए। सेलिंग में चीज थोड़ी बहुत होनी चाहिए जी हाँ, घट नहीं होनी चाहिए। कल नाश्ता करके आऊंगी बस, वो भी रसों का मैं इनवाइट कर रहा हूं। कहते हैं जब दोस्तों के घर जाना हो तो रात से पेट में जगह बनानी। नहीं नहीं रात तो मैं खा लूंगी। जैसे कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है, मैं तुम कमीनगी पहले मुझे बता रही कि मैंने तुमने कुछ नहीं खाया। हाँ मैं बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ, मैं सुबह नाश्ता ही करूंगी रसों का बस। वो भी समझदार है, उन्होंने भी देख के दे रहे हैं, बंदा दे देख के दे रहे हैं। सना नीचे बिल पे करते हुए, और मैं जिम से इसने मुझे पकड़ा है, लिहाजा मैं अब असलम अगर कॉल किएगा मुझे यहीं से ब्राइडे से ले लें, तो बस अब बच्चों को लेके मैं घर जाऊंगी सना के साथ। ग्रॉसरी अचानक ही कहने लगी चल मैं ग्रॉसरी करी तुम भी आ जाओ, तो हम जी के इधर आ गए हैं। अब यहाँ बिल कर रही है, ऊपर बिल करेगी, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। फांटा पड़ी तो ही है।
तुमने जो स्वीडिश बनानी उसमें अच्छा लगेगा। मैं वैसे घर में बनाती हूँ, अभी शेरा साथ आया बाहर है, खर्चा करा रहा है ना, शेरे को तनख्वाह भी तो देनी है, तो शेरे का काम ही है शेरे ने मुझे बताना है क्या ले तो क्या ना ले। वही पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न मुझे बड़े अच्छे लगते है ना, मेरे बच्चों ने बना बना के ना कर्नल के फिर आपको कौन सा पसंद है वो भी मिक्स करवाती हूँ। मैं तो पता नहीं खाऊं ना खाऊं ये वाले, ये तो मेरे अब्बू की पसंद की है ना नीचे। हाँ ये जेल भी खाती है, मैं ये खाती हूँ, मुझे ये पसंद। अच्छा, है एक ये पसंद है और एक अच्छा ठहरो बताती हूँ, कितने डिफरेंट है ना ये वाले शेरा, ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ लेकिन पहले रेड होता था, मुझे ये भी पसंद है, मैं बता दूँ आईना के लिए, मुझे ये भी पसंद है, ये तो मुझे भी पसंद है। चलो शुक्र आपकी पसंद मिली कहीं मेरे से। अच्छा जी सुना, बिस्किट ले लिए हैं, तीन तरह के मिक्स करवाए सना, बिल देते हुए सना कितना बिल बना, 12,180 सना दोस्तों पे पैसा लुटाते हुए, वाह वाह वाह, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं। देखो और भी सामान है ये ऊपर वाला सारा, अच्छा चले भाई ये वाला सामान भी, ये भी रख लें आप, लेकिन ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, ये ध्यान से रखिए। हाँ जी सुना सामान लेके आ रही है, मैं गाड़ी चेक करती हूँ गाड़ी किधर है, वो असलम अंकल है मेरा ख्याल है, जब सामान ले लें हम गाड़ी में बैठ रहे हैं क्योंकि देर हो रही है, बच्चों का अब हो गया है ट्यूशन का टाइम भी, अब जी मैं लूँगी बेटी को, फिर सना को छोड़ूंगी, फिर बेटे को लूँगी, फिर हम जाएंगे घर। तो बड़ा मज़ा आया आज सारा वो शॉपिंग करने का, अचानक ही सना शेरा करके मेरा दिमाग खा गई है। मैं क्या सना शेरा करके मेरा दिमाग खा गई है, मैं और ये उम्मीद ना रखूँ राशिद मुझे शेरा के घर आ गए। भाई बाकी सामान भी ला दें प्लीज़, ये जी असलम, ये जी सना की पार्टी हो रही है, सना की फ्रेंड्स आ रही है, सना घर डिग्गी भर के जा रही है, अभी टाइम थोड़ा है तो आप हमें गोलगप्पे खिला दें जहाज वाले पार्क के, या यहाँ से नहीं मिलते कहीं से, नहीं 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 अच्छा मिल जाते हैं वहीं से, बस चले खिला दे गोलगप्पे खाएंगे अंकल। अंकल नहीं नहीं वैसे अंकल बोल रही है अंकल चार दफा गल करनी पड़ती है, नहीं नहीं व्लॉग के अलावा भी अंकल को तीन चार दफा कहना पड़ता है एक बात अंकल मुझे बुला क्यों नहीं रहे, शेरा क्यों नहीं कह रहे मुझे, वो तुम्हें शेरा नहीं कहेंगे, तुमने सुननी नहीं बात उनकी ना। हाँ वही तो कह रही मुझे, तब तक ये लगेगा कि वो फ्रूट चाट नहीं गोलगप्पे, अंकल यहाँ तो फ्रूट चाट मिल जाएंगे भी, यहाँ गोलगप्पे भी होंगे ही कहीं ना कहीं, तो फ्रूट चाट तो नहीं खानी है, तो वो ड्रिंक पी ली, कहाँ है भाई कहाँ है गोलगप्पे, गोलगप्पे हो गया यहाँ कुछ ना कुछ, वो दही भले गोलगप्पे सामने लगे खड़े सर ना, वो तुम्हारा राशन का मैसेज गोलगप्पे वाला पता चल गया, दही भले वाला कल खा लिए, हमने कल खा लिए, तो माशाल्लाह उनके व्लॉग बहुत अच्छे जा रहे हैं, इसी तरह उनको देख के उनको पसंद करे, और साइमा के व्लॉग्स को भी थोड़ा पानी का छिड़काव किया करें ताकि वो और मजीद पले फूले, तो साइमा कल भी मेरी हेल्प करेगी जी चीज़ों में, बाकी एक चीज़ सिर्फ इसने बनानी, बाकी सारी चीज़ें मैंने बनाई। तुमने कल क्या बनाना है? मैं कल बनाऊंगी फेमस साइमस कॉर्नर के सिग्नेचर दही भल्ले, है ना, वैसे वाकई रमजान में लगा लेती हूँ, मुझे पैसे की अच्छा जरूरत है, मैं पैसे भी साथ साथ कमा लूंगी ना। सना मेरे गोल देखो सना वो गोलगप्पे सॉरी दही भल्ले मैंने तुमसे सीखे थे, इसे मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बना देती हूँ, मैंने तुम दही भल्ले बना लो बाकी सब कुछ मैं बना लूंगी ना, और तुम ये देखो तुम्हारा स्टूडेंट कितना अच्छा है, और जो कुछ होगा वो आप व्लॉग में देखेंगे कि क्या क्या बना, ठीक है, और कहो ना मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा दही भल्ले बहुत अच्छा बनाता है, मैं लोगों को ना वो कर रही हूँ कि मैंने सस्ती चीज कोई भी नहीं ली, मैंने सारी महंगी ली है, वो जस्ट एक फन मजाक हो रहा था, शेरा करेक्टर अंदर घुस गया हमारे, तो बस उसी में हमने ग्रोसरी कर ली, पता नहीं चीजें कड़ियां लगी हैं शेरे के चक्कर में, आ गए हैं बकवास ना करना, नान वाला डब्बा नान वाला डब्बा आ गया नहीं आए तो जग टाइप है सुना, उसमें खट्टा कोलियां सब निशाना लेंदे से नहीं सानू एक छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना साफ नहीं बोल वैसे ये
असल में ये है गंदा दिल को हाँ, और इस गंदे को बोलेंगे साफ से मैंने किधर रखा हूँ पैरों च रखी रहा कितना मजेदार थाल है बड़ा सारा है ना गोलगप्पे हाँ जी लो जी गोलगप्पे आ चुके हैं नहीं रुड़ा सल्ली अला हबीबना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हाँ जी वेलकम टू साइमास कौन है सब लोग कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको ऐसे डायरेक्ट मैंने विदाउट एनी कटिंग और विदाउट एनी एडिटिंग मैंने आपके सामने रखा ताकि आप लोग भी इंजॉय करें जैसे हमने किया। तो सना ने जिस दिन मेरा नया नाम शेरा रख दिया और इतना इसने मुझे शेरा शेरा कहा कि मेरा मुझे लग रहा था बस मैं शेरा ही बन गई हूँ। और राशिद भी मुझे जब तक शेरा नहीं कहेंगे तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे कौन बुला रहा है कैसे बुला रहा है। तो बस जी बड़ा मज़ा आया बहुत ही ज़बरदस्त वो शाम गुजरी ग्रॉसरी समेत और हर चीज़ बड़ी मज़ेदार थी जो हमने खाई भी हमने ले भी। तो बस अब हम कुमैल को लेंगे। कुमैल को लेने के बाद मैंने सना को छोड़ना था और बस बच्चे हमारे हो गए थे पूरे बेटी को भी ले लिया बेटे को भी ले लिया उसके बाद अब हम ग्रोसरी सना घर छोड़ने जा रहे थे सामान सना के घर में पहुंचा रहे हैं। असलम अंकल कुमैल आपका बाजू आ गया है तो बस फिर अभी इंशाल्लाह ताला हम घर जाएंगे बच्चों को ले लिए अभी इसके बाद घर इंशाल्लाह ताला सारा सामान असलम अंकल क्योंकि हैवी सामान था जवान भी ज़्यादा था तो अंकल अब छोड़ आएंगे।